नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर सीखो हिंदी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक आईफोन है जिसका मॉडल है iPhone 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसकी जो बैटरी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई, फूल गई है या कोई भी दिक्कत कर रही है, तो आप जो है अपनी बैटरी को इसी तरीके से जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, नई बैटरी इसमें निकाल कर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिर्फ आपको इसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आईफोन में जो आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर दो स्क्रू देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दो स्क्रू लगे होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें से मैंने एक स्क्रू पहले ही खोल लिया और एक स्क्रू मैं आपके सामने यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आपको जो दोस्तों आपके जो है दोनों स्क्रू को रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है इसका स्क्रू को रिमूव कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास ओपनर है तो ओपनर की मदद से, नहीं तो आप जो अपने नाखून अगर यूज़ कर सकते हैं तो उसकी मदद से जो आपको जो है इस तरीके से साइड साइड से धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है खोल सकते हैं, नहीं तो आपको बता रहा हूँ एक तरीका और है। अगर आपका ओपनर है, अगर इससे नहीं खोलते ऐसे आपसे, तो इसको जो है यहाँ से आपको जो है ओपनर है इसको हल्का हल्का जो है जगह गैप दे के इस तरीके से फंसा लेना है और इस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है ध्यान से दोस्तों, ताकि आपको फोल्डर ब्रेक ना, और ज़रा ध्यान से वर्क कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको है चारों तरफ से खोल लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो स्टील की पत्ती लगी हुई है, इसके स्क्रू मैंने ऑलरेडी रिमूव कर ली। अगर आप चाहें, अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप जो है इसको फोल्डर को रिमूव करके साइड में रख के फिर उसके बाद आप इसकी बैटरी एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो स्क्रू लगे हुए दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको ये दोनों स्क्रू रिमूव कर लेने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो इसकी जो स्टील की पत्ती देखेंगे पहली, इस स्टील की पत्ती को हटा लेना। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो पत्ता है ये हमारा बैटरी का पत्ता है। ये देखिए जो ये वाला पत्ता है हमारा, ये बैटरी का पत्ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारी डिस्प्ले ऑन हो गई है। अब मैं पत्ते को हटाऊँगा, ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कराया था सही से। इस पत्ते को मैं रिमूव करूँगा तो हमारी जो डिस्प्ले बंद हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा जो बैटरी का पत्ता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो है बैटरी चेंज करने का तरीका बताऊँगा। ये हमने बैटरी का जो पत्ता हमने रिमूव कर ही लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी जो ख़राब हो गई है, बैकअप नहीं दे रही है, वर्क नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो पुरानी बैटरी को इसमें से निकालना पड़ेगा। इस बैटरी को मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे तो फिलहाल यहाँ पे ये स्टील की पत्ती यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा ओपनर है, पर ध्यान रखिए कि आपको जब प्लास्टिक का ओपनर यूज़ करना है उससे निकालना है। और अगर ईजिली ना निकले, जो बैटरी हार्डली पेस्टेड हो, तो इसको जो है आप थोड़ा सा हीट कर लेंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो आप अपनी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। अब आप इसमें जो है दूसरी बैटरी इसमें लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी जो बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बैटरी लगाने के बाद आप जो है इसके नीचे जो है एक काम कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जो है टेपिंग कर लीजिएगा। टेपिंग करने के बाद आप इसको इस तरीके से लगा कर, एक बार हम इसको बैटरी को चेक कर लेंगे कि हमारी इस बैटरी से ऑन हो रहा है कि फ़ोन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई, फूल गई या वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर जो है, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन ऑन हो गया। अगर आपको प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, बैकअप नहीं दे पा रही, तो आप अपनी बैटरी को इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जो इसकी जो स्टील की जो पत्ती देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसको वापस लगा देना है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी ईजीली तरीके से हमने जो अपनी बैटरी को इसमें एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके से दोस्तों जो आपको अपने जो है स्क्रू को इसमें कस लेना वापस, इसके जो स्क्रू थे। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपको इसके बाकी स्क्रू जो वापस कस लेने हैं, फिर इसको जो है पैक कर देना। देखा दोस्तों, ये जो हमें ऊपर जो डिस्प्ले और फोल्डर के जो हमारा जो पत्ते थे स्पीकर वगैरह के, इनको रिमूव करे बिना हमने फ़ोन की बैटरी को चेंज कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ईजी स्टेप्स फॉलो करके आप अपने जो है मोबाइल की बैटरी को चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो है वापस जो है अपने मोबाइल के फोल्डर को इस तरीके से सही से पैक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पहले ऊपर से सेट करना है इसको, फिर इसको ऊपर सेट करने के बाद साइड से हल्का हल्का जो है प्रेस कर देना। प्रेस करने का जब इसको अच्छे से पैकिंग आ जाए, फिटिंग आ जाए, फिर आपको इसके जो है नीचे के स्क्रू कस देने हैं। ओके दोस्तों, हमारी जो बैटरी एक्सचेंज हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप अपने iPhone 6 की मोबाइल की बैटरी को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।